हमारा संगठन है और हमारा गठबंधन भी बड़ा मजबूत है, इसीलिए लड़ाई में कोई दिक्कत नहीं है। 14 के 14 हासिल करेंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में अपने लोकसभा सीटों पे उम्मीदवार उतार दिया है। अब उसको लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पे कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी नहीं चलेगी। तो क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री और विधायक, सुनते हैं। महिला के साथ जो अत्याचार हुआ, कहाँ विदेशी महिला के साथ जो अत्याचार हुआ, आप आपने प्रशासन को क्या निर्देश दिया है और अभी तक क्या अपडेट है? क्या अपडेट है सर, क्या आपने निर्देश दिया? देखिए, एक दो आदमी गिरफ्तार भी हुआ है और निर्देश दिया गया है, जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई हो। तो क्या इसको लेकर कोई SIT बनाने का निर्देश है? नहीं, अभी तक वहाँ से हम फिर रिपोर्ट मांगेंगे क्या स्थिति है। हमारा सीट शेयरिंग भी बहुत जल्दी हो जाएगा, 2-3 दिन भीतर में। कब तक सर, कब तक हो रहा है? बस 3-4 दिन। क्या फॉर्मूला तय किया आप लोगों ने आपस में? अभी तो फिर बैठेंगे, उसके बाद ना फिर आगे बढ़ेंगे। अभी तो यही सेशन में ही थे हम, जब उधर से फिर बैठेंगे आप लोगों को बताएंगे। आप लोगों की गारंटी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता से मिलेंगे, गांव जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। मोदी का गारंटी, यहाँ का आदिवासी को वन अधिनियम से वंचित किया है और फिर कोलांचल क्लिक भी बिल लाया है। पहले एक सीमा रहता था, इतना दिन तो किसी को लीज दिया जाएगा, ये अब चलते रहेगा, कभी अब बंद नहीं आएगा उसमें, और कुछ भी कर सकता है इससे संशोधन करने, जो झारखंड के आदिवासी मूलवासी के लिए बर्दाश्त से बाहर आए। ये सब आप लोग कुछ करेंगे सर? ये इसके लिए, इसके लिए तो जनता के बीच में जाना है, जनता के बीच में जाना है कि ये सब जब आपका हर जगह से यहाँ उद्वस्तु करते जा रहा है, आपका सुरक्षा कवच को ही वो खत्म कर देने जा रहा है, तो आप बचा कहाँ? आदिवासी अस्तित्व खतरा में आ गया है। चलिए, हमारा संगठन है और हमारा गठबंधन भी बड़ा मजबूत है, इसीलिए लड़ाई में कोई दिक्कत नहीं है। 14 के 14 हासिल करेंगे। कल्पना जी का क्या बाद में बताएंगे। सदन नेता के तौर पे पहला अनुभव आपका कैसा रहा सत्र का? बढ़िया, बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा चला सदन। थैंक यू। आपको लगता है सारे मैनिफेस्टो में जो बातें कही गई थी वो इससे पूरी हो जाएगी? देखिए, ये जो है पंचम झारखंड विधानसभा का अंतिम बजट था और इस बजट का में आकार भी बड़ा है और ये बजट यहाँ के जनमानस की आकांक्षा को अनुरूप बनाने की कोशिश की है। जहाँ तक आपने मैनिफेस्टो की बात बताए, आप अगर उठाकर देख लीजिएगा कांग्रेस का या झारखंड मुक्ति मोर्चा का, एक नहीं ढेर सारी जो है मैनिफेस्टो हम लोग पूरी कर चुके हैं और जनता जो है हमारे काम का मैंने खुश हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये बजट जब हम धरातल पर लेकर जाएंगे तो लोगों को अच्छा महसूस होगा। उसका उदाहरण हम देना चाह रहे हैं आपके बीच में कि जनता क्या चाहता है। रोटी, कपड़ा और मकान। हम रोटी के लिए जो भी छूटा हुआ है, अभी अनाज नहीं मिल रहा है, उसको ग्रीन कार्ड से हम उसको जो है सामग्री देने के काम करें, नई कार्ड बनाएंगे 5 लाख। जो आवास हम लगातार देने की बात कर रहे थे, तीन फर्स्ट चरण में हम 2 लाख दिए, इस बार 4.5 लाख देने की जा रहे हैं। उसी तरह हम लोग धोती कपड़ा तो बांटते हैं, तो मूलभूत जो सुविधा है जो चाहते हैं वो देने के काम किए। गरीब बच्चे का जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे थे उसको स्टाइपेंड देने के काम किए। वो वैसे महिला बच्ची जो है ड्रॉप आउट हो जाते थे परिवार के आर्थिक तंगी के कारण, बजट में ये कहा गया कि गरीबी रेखा से कई लोगों को बाहर लाई 4 साल में सरकार, और आप कह रहे हैं 15 लाख राशन कार्ड में जोड़ेंगे, तो दोनों बात कैसे सत्य हो सकते? नहीं, राशन कार्ड जोड़े सबका मूलभूत सुविधा है। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं?
मोदी जी क्या करें? चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट जारी की। अभी आप लोग का सीट बंटवारा नहीं हुआ, चारों तरफ देखते हैं सर। आपके तरफ सीट शेयरिंग भी नहीं हुई और मेरा सीट शेयरिंग हो चुका है, मेरी सीट शेयरिंग हो गया है। आप सुनिए, हमारा सीट शेयरिंग हो चुका है, आधा दर्जन से ऊपर लोगों का नाम भी हो चुका है। तो कब होगा, कब होगा? जब हम नहीं बताएंगे, पहले उनका हो जाए उसके बाद। आज बीजेपी तो बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, क्या कुछ कहिएगा? आपको मौका दिया जा रहा है। सबसे पहले तो प्रदेश के नेतृत्व का, केंद्र के नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उन्होंने मुझ पर आस्था रखा है, हजारीबाग लोकसभा का कैंडिडेट मुझे बनाया है और जिस उम्मीद के साथ ये दायित्व मुझे दिया गया है, पूरा कोशिश करूंगा कि ये दायित्व जो है, ये सीट हम लोग जीत करके दें। सर, इस बार कितनी सीट पर आप लोग की उम्मीदें हैं झारखंड से? 14 की 14 सीट इस बार हम लोग यहाँ से जीतेंगे और जो 400 का जो लक्ष्य है पूरे भारतवर्ष में कि 400 सीट एनडीए जीतेगी, उसको भी इस बार हम लोग प्राप्त करेंगे। सर, बड़ी जिम्मेदारी जीत को लेकर कितना आश्वस्त है जी? एक बड़ी जिम्मेदारी जीत को लेकर जैन सिन्हा ने, क्योंकि अपने सीट से देखिए, हम लोगों ने अगर आप इतिहास देखिएगा उसका, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद रहे हैं वहाँ से, सब ने हजारीबाग को आगे ले जाने का काम किया है। और आज के दिन में अगर आप देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर बयार बहता है। तो ऐसे बैकग्राउंड में मैं वहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं कि मोदी जी का जो काम, विकसित भारत का संकल्प और पूर्व के सांसदों का जो, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का जो पुण्य प्रताप रहा है, उसमें मेरी जीत पक्की रहेगी। भारतीय जनता पार्टी सर, और आपका क्या संकल्प है? देखिए, जो काम पूर्व के सांसद हमारे अधूरा रह गया उनके टेन्योर में, या जिसको वो लोग शुरू नहीं कर सके, इच्छा थी लेकिन शुरू नहीं कर सके, वो सब मैटर्स को हम लोग देखेंगे। विस्थापन बड़का गांव का जो विषय है, वो एक बहुत बड़ा विषय है, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा विषय है कि पूरे भारतवर्ष के साथ अपने इलाके को भी विकसित भारत में सम्मिलित करना, हजारीबाग को भी उसका एक अंग बनाना, उस पर हम लोग काम करेंगे। सर, एक सवाल है, 400 का आंकड़ा तो ज़्यादा नहीं लग रहा? नहीं, अब तो मैं भी 2 दिन पहले दिल्ली से आया हूँ, लोग इस आंकड़े को मॉडिफाई करके 450 की तरफ ले जाने की बात कर रहे हैं। ये अब देखिएगा, इस बार आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को जो अभी जो अयोध्या में पूजन के पहले जब वो साउथ गए थे, अगर उस वीडियोस को आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो एक बार ज़रूर देखिएगा कि जनता कितना ललायित होकर के उनकी तरफ देख रही थी। पहले साउथ इंडिया और इस बार 2024 का साउथ इंडिया में बहुत अंतर हो गया। तो अभी आपने सुना क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता, और खासकर चंपई सोरेन। चंपई सोरेन ने कहा कि मोदी सरकार का जो इस बार का नारा है, अब की बार 400 पार, वो पूरी तरह सिमट के रह जाएंगे और इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा, या फिर कह लें तो INDIA का परचम लहराएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, 10 न्यूज़, रांची।